सो हे हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। इस वीडियो में मैं आप लोगों को कमाल की एडिटिंग दिखाने वाला हूँ। इसलिए एडिटिंग आपको सिंपली करना है कुछ नहीं, वीडियो को लास्ट तक देखना। अगर एडिटिंग थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना। अगर आप लोग भी चाहते हो ऐसे एडिटिंग के लिए, वीडियो को थोड़ा भी मिस नहीं करना, बहुत अच्छा एडिटिंग है। ठीक है, चलते हैं वीडियो की तरफ। तो सिंपली यहाँ पे आप लोगों को अपने लाइट रूम एप्लीकेशन को ओपन कर लेना। ओपन करने के बाद आप जिस भी फोटो को एडिट करना चाहते हो उस फोटो को अपने जो है एड कर लेना लाइट रूम में। उसके बाद आप लोगों को लाइट रूम एप्लीकेशन उसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद सिंपली लाइट वाले पे ऑप्शन पे जाना है। लाइट वाले पे जाने के बाद कर्व पे जाके इसको जो है थोड़ा सा बीच में पकड़ के इसको जो है थोड़ा सा ऊपर की तरफ जो है स्वाइप करना है कुछ इस तरीके से। देन आपको ये सब करने के बाद देन आपको डन पे क्लिक करके एक्सपोजर को जो है +10 कर देना है। देन नीचे की तरफ स्वाइप करके व्हाइट्स को थोड़ा सा बढ़ा देना है और ब्लैक्स को जो है माइनस कर देना है। देन आपको जाना है कलर ग्रेडिंग वाले ऑप्शन पे। इस पे जाकर कलर मिक्सर पे क्लिक करके रेड वाले सैचुरेशन को थोड़ा सा प्लस करना है और ह्यू को जो है थोड़ा सा माइनस कर देना है। फिर आपको जाना है सेकेंड वाले पे। सेकेंड वाले पे जाके इसके सैचुरेशन को थोड़ा सा माइनस और ह्यू ल्यूमिनियस को जो है थोड़ा सा प्लस करना है कुछ इतने पे। देन जाना है येलो वाले पे। येलो वाले पे जाने के बाद आप लोगों को सिंपली सैचुरेशन को पूरा माइनस और ह्यू को जो है पूरा -100 कर देना है। फिर ग्रीन वाले पे जाने के सैचुरेशन को पूरा 100 माइनस और ह्यू को भी जो है पूरा 100 माइनस कर देना है। देन नेक्स्ट वाले पे जाके इसको लुमिनस को थोड़ा सा माइनस करना है और सैचुरेशन को भी थोड़ा सा माइनस करना है। फिर ब्लू वाले पे जाके लुमिनस माइनस, सैचुरेशन भी थोड़ा माइनस और कुछ नहीं करना है। देन ऊपर डन पे क्लिक करके आपको जाना है फिर कलर ग्रेडिंग वाले पे। यहाँ पे जाके जैसा मैं कर रहा हूँ कुछ आप लोग भी ऐसा करके अपने फोटो का अपने जो हिसाब से है सबको मिला लेना। ठीक है, देन ये सब मिलाने के बाद आप लोग को डन के ऑप्शन पर क्लिक करके फिर से जाना है वाइब्रेट वाले ऑप्शन पे। यहाँ पे जाके टेक्स्ट को जो है थोड़ा सा प्लस करना है और क्लैरिटी को भी थोड़ा सा बढ़ा देना है और उसके बाद जो है थोड़ा सा डीएच को बढ़ा देना है और वाइब्रेट को जो है माइनस के तरफ कर देना है कुछ इतने पे। देन आपको जाना है क्रोमेटिक एलिब्रेशन के ऊपर, इसको जो है ऊपर में रिमूव क्रोमेटिक एलिब्रेशन को ऑन कर देना है। देन सिंपली आपका जो है लाइट रूम में जो एडिटिंग कंप्लीट हो चुका है। फिर आप लोगों को इसको ले चलेंगे स्मूथ करने के लिए अपने स्केच बुक एप्लीकेशन के अंदर। आपके पास इसका लिंक नहीं है, इसका ई ऐप नहीं है, तो मैंने इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप वहाँ से जाके इंस्टॉल कर लेना। सिंपली यहाँ पर जाने के बाद आपका जो कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। देन ये सब आने के बाद आप लोगों को जो है सेटिंग जो है मैंने इतना किया है सिर्फ आपको इतना कर लेना है। ठीक है, यहाँ पर जाके साइज को मैंने इतना किया है। देन ये सब करने के बाद आप लोगों को सिंपली अपने फोटो को जूम करके कुछ इस तरीके से धीरे धीरे से जो है अच्छे से ब्रश कर लेना है अपने पूरे फेस पे। देन अच्छे से पूरे ऊपर के ब्रश करने के बाद आप लोग करना कुछ नहीं है, ऊपर जो है 3 डॉट दिख रहा है उस पर क्लिक करके अपने फोटो को जो है सेव कर लेना है। आपका फोटो सेव कर। सो मिलते हैं आप अगले वीडियो में।